हेलो एंड वेलकम। आज मैं जावा में दो मेथड में डिफरेंस क्या है वो दिखाने वाली हूँ। एक है कैर एट और दूसरा है गेट कैर। ये स्ट्रिंग में यूज होता है, तो उसको कैसे हम लोग यहाँ पर, ये है कैर एट और गेट कैर, इसमें क्या डिफरेंस है ये दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए एक क्लास लेते हैं, क्लास का नाम देते हैं गेट कैर। और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS और इसके बाद एक स्ट्रिंग लेना है, क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है या फंक्शन जो कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग str ये वेरिएबल है, यहाँ पर हम एक वैल्यू स्टोर करते हैं, ये है राम बाबू। और इसके बाद हम एक कैरेक्टर लेते हैं create और इसमें डॉट दे देते हैं टू। इसका मतलब हुआ यहाँ जीरो से काउंट होता है, 0 1 2, यानी m को हम इसमें स्टोर किए हैं। अब इसको सिस्टम आउट प्रिंटलन, यहाँ पर जो हम लिए हैं अभी ch उसको डिस्प्ले करा, तो इसको डिस्प्ले कराएंगे तो m डिस्प्ले होगा। अब दूसरा मतलब एकदम एक एक पॉइंट हम लोग कैरेक्टर x से करते हैं कैर x, और गेट कैर में हम लोग बहुत सारा कैरेक्टर ले सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक का एक बीच में एरे लेना रहता है, और उसके बाद हम एक फॉर्मूला में उसको रखते हैं। तो यहाँ पर हम इंट स्टार्ट इस गल टू ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है 2 3 4, चार से शुरू करते हैं, चार से 4 5 6 7 और 1 8, एंड होगा 8 पर, शुरू होगा 4 पर, 4। और इंट एंड 8 लिए, और इसके बाद एक एरे लेना है, और एरे में इस तरह से एक एरे ले लेना है।
और अब हमको फॉर्मूला देना है स्ट्रिंग डॉट गेट कैच और के भीतर देना है स्टार्ट वहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं एंड कितना तक चाहते हैं और ये जो हम एरे लिए तो और उसके बाद टारगेट स्टार्ट करके वो देना और इसके बाद मतलब इसका फॉर्मूला होता है इंट इंट और एक कैरेक्टर ए का एरे और फिर इंट तो इस तरह से हमको देना है और फिर इसको डिस्प्ले करा है तो ये बाबू डिस्प्ले सिस्टम आउट नहीं है तो ये पहले कैर एट मतलब एक ही कैरेक्टर लिया है एम और उसके बाद गेट कैट्स में बाबू ये हो गया दोनों में डिफरेंस कैर एट और गेट कैट थैंक यू